वही बात करनी चाहिए जो भी अगर डिस्ट्रीब्यूटर हम काम कराना चाह रहे हैं तो वो क्यों नहीं करना चाह रहे रिटेलर। हाँ। रिटेलर काम करना चाहेंगे तो हमें क्यों क्लोपी लगानी पड़ेगी? हम क्लोपी के रेट कुछ तो सोल्यूशन निकाले। रिटेलर काम नहीं करेगा क्लोपी लगाने नहीं देंगे तो हम कंपनी से कैसे? रिटेलर भाई हैं अपने, वो ऐसी कोई बात नहीं है उनके साथ, वो अब वो बैठ के भी हो सकता है, अगर वो कल कर लेते तो अपने को दिक्कत नहीं होती इस चीज़ में। यही हम चाहते हैं कि रिटेलर भाइयों के साथ वो मिलाना नहीं चाहते, वो साथ में रखना नहीं चाह रहे। हाँ, साथ में रखना चाहते ना, वो कंपनी से बात करना चाहते, वो कहते डिस्ट्रीब्यूटर अकेले क्या हो जाए। अब फिर जिस वक्त में किसी बात की उनसे या आपसे की है आपको पता है इस चीज़ का, हम क्यों वहाँ से आए हैं, खड़े होकर इसी वजह से आए हैं ना, दिक्कत तो यहीं की है। इसलिए उसका लाभ देखा ना कौन स्वामी जी कैसे कर रहा है। बात अगर आपको मैंने से नहीं करेगा तो उसका मैंने तो खड़ा होकर आना ही पड़ेगा ना। मैंने आपको कैसे चेक देके बात करनी पड़ेगी। मैंने आपको कभी अपने ऑफिस में बुलाया है तो मैं आपकी ये थोड़ी अपने कलीगों से बात करूंगा, जो भी है पर कहना है अगर कनोपी इसलिए लगाते हैं रिटेलर भाई हमारा काम नहीं कर पा रहे इसलिए हमें कनोपी लगा के आउटपुट पूरी करनी पड़ती है, कंपनी का टारगेट पूरा करना पड़ता है, इसलिए हमें टारगेट पूरा करने के लिए हमें कनोपी लगानी पड़ रही है। और टारगेट अगर रिटेलर भाई अगर काम करना चाहें सभी तो हमें ज़रूरत नहीं है हम इस पे कनोपी लगाएंगे। जब तक अगर कनोपी अगर काम करेंगे तो हमें कनोपी लगाने की ज़रूरत क्या है? हमें कंपनी से प्रेशर है, इस कंपनी का हम मीडिएटर हैं बीच में, आप रिटेलर का और कंपनी के बीच में मीडिएटर हैं, उस मीडिएटर के तहत हम कह रहे हैं इस बात को। सर उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जब आपकी कनोपी लगती है तो उनके मोबाइल का रिचार्ज वगैरह या अदर भी काम हो जाता है, क्या सकते हैं? रिचार्ज तो उनका काम करने का ठीक है परंतु रिचार्ज में भी अगर वो आप अपना काम करेंगे तो साथ हम उनके साथ काम करेंगे। कंपनी कहती है भी काम करो तो कंपनी सब कुछ दे रही है फिर भी काम करने के लिए तैयार नहीं है दुकानदार भाई। तो सर आगे क्या रणनीति रहेगी? हमारी रणनीति है कि भाई साहब सभी दुकानदार भाइयों को निवेदन है कि वो उसको काम करें और हमें उस पर ना जाना पड़े। अगर बहिष्कार करने से कोई सोल्यूशन निकलता है तो ये तो कब का ही हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। बहिष्कार करने से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो हम करने जा रहे हैं अभी क्या है कि भी कंपनी जो दे रही है माइनस में दे रही है सिर्फ, ठीक है, तो जीरो अमाउंट में बेचने के लिए कंपनी के ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर बनाने के लिए बोल रही है तो ये भी बेच सकते हैं, उसमें भी इनका बेनिफिट है, तो भी ये करने में तैयार नहीं है। ये कहते हैं कि हम तो 200-400 रुपए लेके बेचेंगे। अगर 200-400 रुपए लेके बेचेंगे तो वो एक्टिवेशन जो वो चाहते हैं कंपनी वाले इतना पैसा दे रहे हैं तो वो कैसे हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। हम कह रहे हैं कि ये करें जैसे मर्जी करें पर टारगेट तो पूरा करें। हम एज ए एक फाइनेंसर हैं, ठीक है ना, हमने पैसा लगा रखा है, कंपनी ने टारगेट दिए, हमने रिटेलर से करने हैं, ठीक है। अगर ये रिटेलर नहीं कर पाए तो ही हमें ये कनोपी लगाने के लिए बोला गया। तो ये नहीं है कि वो हमारे कोई बंदे हैं उन्होंने लगवा ली ऐसा कर लिया, हम तो इनका सहयोग देने के लिए तैयार हैं। कल भी हमने इसी मुद्दे पे बात करने के लिए गए पर वहाँ पे जब ये बात हुई तभी हमने ये डिसीजन लिया, ठीक है, कि भी ऐसा कुछ बोलने से कोई सोल्यूशन नहीं निकलता, एक हाइपर हो गए हमारे ऊपर चढ़ना, तो हम चुप करके उठ के आ गए। हमने तो कुछ गलत नहीं बोला वहाँ पे जाके, हमने कभी किसी को गलत नहीं कहा, हमने तो कहा रिटेलर भाई हमारा सहयोग करते हैं, हमारा टारगेट पूरा करते, तो हमें क्यों जरूरत है इन चीज़ों करने की? आज मैं कपिल अनेजा जी के पास आया, आज उनसे मैंने पूरे सहयोग की आश्वासन, उन्होंने मेरे को पूरे सहयोग का आश्वासन दिया और उम्मीद करते हैं वो हमारे को पूरा सहयोग करेंगे। मेरे पास सिरसा के तमाम हमारे जो सिम रिचार्ज डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन है उनके तमाम मेंबर सभी आए थे। पिछले काफ़ी दिनों का इनका एक इशू चल रहा है, हमारे यहाँ जैसा कि सबको पता ही है एक ग्रुप और है, उनको किसी किस्म का कोई वो उनमें 3-4 लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा हमेशा कोई ना कोई परेशानी रहती है। वैसे जो ये मसला है मैं इससे पहले आपको बता दूँ, ये मसला सबका साझा मसला है। अगर यहाँ रिटेलर्स की मैं बात करूँ तो ये रिटेलर्स को इस बार कैनोपी से परेशानी तो है लेकिन कहीं ना कहीं ये डिस्ट्रीब्यूटर्स की मजबूरी भी है। तो ये लोग सब मेरे पास आ जाए, मुझे ज्ञापन दिया, तो मैं तो दोनों पक्षों से यही कहूँगा कि दोनों मिलकर बैठकर और एक शांतिपूर्वक तरीके से ना इस मैटर को सॉल्व करें, क्योंकि ना तो
बिना डिस्ट्रीब्यूटर के रिटेलर जिंदा रह सकता है और ना ही बिना रिटेलर के डिस्ट्रीब्यूटर जिंदा रह पाएगा। और ये जितना भी काम सब होता है ना, ये कंपनी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होता है। इसमें ना तो आज ज़माना कहाँ पहुँच गया है, और मोबाइल ट्रेड वाले तो वैसे ही सब में बड़े तीर हैं, तो कोई कहीं किसी को दबाने वाला काम तो कहीं किया नहीं जा सकता। तो मेरे ख्याल से दोनों पक्षों से मैं यही कहूँगा कि आराम से बैठ के, मैं कोशिश भी करूँगा दोनों पक्षों को समझाने की, क्योंकि हमारा जो एसोसिएशन है सिरसा मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन, एक बहुत सुलझी हुई एसोसिएशन है जो तमाम इन सब चीज़ों को देख के ही बात करती है। किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, ये नहीं करना या हम करने नहीं देंगे, दोनों तरफ को समझ के ही बात हमेशा करती आई है आज तक। तो इस बार भी दोनों तरफ समझ के ही हम काम करेंगे, दोनों पक्षों से बात करेंगे और इस बात को बड़ी जल्दी हो। और ये बाइकाट और ये वो सब करना, ये नहीं, मैं इस हक में नहीं हूँ बिल्कुल भी। बैठ के बात हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है।